नमस्कार पांच वगैरह समाचार साथ हूं छु दिवांग। समाचारों पर नजर करिए तो छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय महाअधिवेशन में प्रियंका वाड्राए संबोधन कर प्रियंकाए 2024 लोकसभा की चूंटी जीतवा विपक्ष ने एक थवा अनुरोध कर कहू कि एवं लोग देश की राजनीति ने जो समझी रहा है कि कई तो खोटू थी रू एक मंच आपव आप काम है अवाज बुलंद करव आप काम है जो मोटी जवाबदारी है। तो मैं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी, यात्रा का इंतजार कर रहे थे हम। उन महिलाओं ने मुझे कहा कि 3 सालों से उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी, वे बाहर आए। तो ये हिम्मत दिलाना, ये हम कांग्रेस जनों का काम है, जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना, उनके पास जाना हमारा काम है। तो कांग्रेस महाअधिवेशन में राहुल गांधी फरी अदाणी मुद्दों उठाव्यो। राहुल गांधी पीएम मोदी ना मौन सामे सवाल उठाव्या हता। तेमणे कह्युं के अदाणी नी कंपनीओ ने फायदो पहोंचाडवामां आव्यो, देशना बधा ज रूपिया एक ज कंपनी पासे आवी गया हता। आ शेल कंपनीओ जे हजारों करोड़ रूपया भारत मोकले छे ते कोना छे, केम जेपीसी तपास थती नथी। डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अदानी जी की शेल कंपनी है, बाहर इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा, जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, पता तो लगाना चाहिए ये पैसा किसका है, शेल कंपनीज किसकी हैं, मगर नहीं। सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है, मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे, नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए थी। मियागाम करजण सुधीनी रेलवे लाइन ने ब्रॉडगेज में रूपांतर करवामां आवी छे। आ ब्रॉडगेज लाइन नु सफल टेस्टिंग करी 120 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे ट्रेन दौड़ावामां आवी हती। ट्रेन द्वारा 22 मिनिट नी अंदर 32 किलोमीटर नु अंतर कापवामां आव्युं हतुं।